अगर आप क्राइम थ्रिलर ऐसी मूवीज देखना पसंद करते हो तो नेटफ्लिक्स पे कुछ दिन पहले एक न्यू मूवी रिलीज हुई थी। उस मूवी का नाम है रेप्टाइल। इस मूवी की कहानी क्राइम थ्रिलर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर पूरी बताई गई है। मूवी की जो कहानी है वो कुछ ऐसी बताई गई है कि एक लेडी जो है, एक वुमेन, उसका है ना बहुत बुरी तरीके से ना मर्डर हो जाता है, और चाकू से इस तरह उसको मारा जाता है लेडी को कि मतलब उसका शरीर पहचानने में भी नहीं आ रहा, इतनी बुरी तरीके से उसको मर्डर किया जाता है वो लेडी का। तो उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बॉयफ्रेंड से इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके एक्स बॉयफ्रेंड से इन्वेस्टिगेशन होती है, ऐसे सब इन्वेस्टिगेशन पूरी बताई गई है मूवी में कि आखिर इस लेडी का मर्डर किया किसने है, उस इस सब की पूरी पूछताछ होती है पूरी मूवी में। बट मूवी में ना एक सस्पेंस बहुत अच्छा क्रिएट किया गया है कि मूवी की शुरुआत से दिखाया गया है कि खून शायद इसने किया होगा, इसने किया होगा, बट मूवी की एंडिंग तक कहानी कुछ और ही बन जाती है कि खून किसी और ने ही किया है। ऐसे मतलब थोड़ा शक का ऐसा सीन क्रिएट किया है मूवी में कि इस पे भी शक हो सकता है, इसने खून किया हो सकता है, किसी और में भी खून किया हो सकता है, ऐसे थोड़े शक के सीन्स बताए हैं कि पुलिस को थोड़ा शक होता है। तो ऐसी पूरी कहानी बताई गई है। बट मैं आपको है ना क्लाइमैक्स नहीं बताऊंगा मूवी का कि मूवी में वुमेन का जो खून है वो किया किसने है, उसके लिए तो आपको मूवी देखनी होगी क्योंकि वो अच्छा सस्पेंस क्रिएट किया गया है। अगर मैंने आपको बता दिया तो आप मूवी देखोगे नहीं, आपको फिर जो मजा आता है ना मूवी देखने में वो आएगा नहीं फिर। तो इसलिए ना आपने अगर रेप्टाइल मूवी अभी तक देखी नहीं है तो नेटफ्लिक्स पे ना ये मूवी आ चुकी है, देखो और फिर कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और एक और बात आपको बताना चाहूंगा इस मूवी के बारे में कि ये मूवी को है ना UA की रेटिंग दी है, मतलब कि आप ये मूवी को फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो। बट ये मूवी है ना क्राइम थ्रिलर पूरी है, तो ऐसी मूवीज फैमिली के साथ बैठ के देखनी नहीं चाहिए। फैमिली के साथ कॉमेडी एक्शन ऐसी सब मूवी देखो तो अच्छा लगता है फैमिली के साथ बैठ के देखना। बट आपकी अगर फैमिली सावधान इंडिया या फिर क्राइम पेट्रोल बहुत ही ज्यादा देखती है तब आप ये फैमिली के साथ बैठ के ये मूवी देख सकते हो। नहीं तो अगर आपकी फैमिली को क्राइम थ्रिलर देखना पसंद नहीं है तो आपको ये मूवी दिखाने नहीं चाहिए अपनी फैमिली को, आपको अकेले बैठ के देखनी होगी। अगर आपने रेप्टाइल मूवी देखी है, नेटफ्लिक्स की न्यू रिलीज मूवी, तो कमेंट करके ना जरूर बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी। नहीं देखी तो नेटफ्लिक्स पे आ चुकी है, हिंदी डबिंग में अवेलेबल है, देखो कमेंट करो और जरूर बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। मुझे ये मूवी अच्छी लगी देखने में, बट मूवी में ना थोड़े से बोरिंग सीन्स भी थे तो इस वजह से थोड़ी है ना मूवी में ना मुझे बोर फील भी हुआ, बोर फीलिंग भी आई मुझे मूवी देखते समय तो। बट कहानी अच्छी थी मूवी की देखने के लिए, थोड़ा सा थ्रिलर भी देखने को मिला, अच्छे मर्डर्स के सीन्स दिखाए नहीं है मूवी में, खून खराबा मर्डर्स के, क्योंकि वो सब दिखा नहीं सकते ना ऐसे तो। पर अच्छी लगी मुझे मूवी देखने में, एंटरटेनिंग है, इन्वेस्टिगेशन के ऊपर पूरी कहानी बताई गई है, मुझे मूवी अच्छी लगी देखने के लिए, वन टाइम देखने के लिए अच्छी है।